आज हम एक 40,000 का पीसी बिल्ड करने वाले हैं, और इसमें आप सारी 720p, 1080p और कुछ गेम 2K में भी चला सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे गेम चला सकते हो, मगर आप कुछ जो पुराने गेम्स हैं, पुराने टाइटल्स हैं, उसको आप आराम से 2K में अच्छे सेटिंग पर चला सकते हो। तो चलिए इस पीसी बिल्ड को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारा रहेगा वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर में हमने इसमें चूज़ किया है राइजन 5 2600। ये हमने अपने 30,000 के पीसी बिल्ड में भी किया था यूज़। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हमें 6 कोर 12 थ्रेड देखने को मिल जाता है, जो कि आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर इसमें चलाना चाहते हो, जैसे कि रेंडरी का कोई आपका काम होता है, तो आप इसमें आराम से कर सकते हो। और इसकी कॉस्ट की बात करी जाए तो ये हमें आराम से इंडियन मार्केट में कहीं पर भी 12,000 में मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करते हो तो आपको 12,000 रुपये मिल जाएगा। अगर आप कोई ऑफलाइन में भी सर्च करते हो तो ये आराम से आपको 11,500 रुपये में भी या 11,000 रुपये में आराम से मिल जाएगा। अगर इसकी स्पेक्स की बात करी जाए तो ये हमें 6 कोर 12 थ्रेड देखने को मिल जाता है, और इसकी बेस क्लॉक है 3.4 GHz और मैक्स बूस्ट क्लॉक है इसकी 3.9 GHz। अगर इसकी कैश की बात करी जाए तो इसमें हमें 19 MB की देखने को मिल जाती है, और इसकी TDP 65 वोट है, और ये सिस्टम मेमोरी अप टू 2933 MHz की सिस्टम MB रैम यूज़ करेगा। अगर हम बात करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट के बारे में, जो कि है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में हमने एक गेमिंग मदरबोर्ड चूज़ किया है, क्योंकि हमने गेमिंग के लिए बना रहे हैं ये PC, तो हम इसमें एक गेमिंग मदरबोर्ड ही लगाएंगे। तो इसमें हमने चूज़ किया गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450 मदरबोर्ड। तो इसमें हमें एक VGA, एक HDMI, 2 USB पोर्ट हमें 2.0 और 4 हमें 3.0 USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी हमें टोटल 6 पोर्ट हमें देखने को मिल जाते हैं USB पोर्ट के। और इसमें हमें M.2 का स्लॉट भी हमें देखने को मिल जाता है। इसकी स्पीड रहेगी 32 GBPS की, और इसमें हमें PCI Express Gen 3.0 बैंडविड्थ देखने को मिल जाएगी। और ये मदरबोर्ड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सारे सपोर्ट करेगा ये मदरबोर्ड। अगर आपको थर्ड जनरेशन का इसमें कोई प्रोसेसर चलाना है तो आपको इसके BIOS को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। तो इसमें आप आराम से इजीली थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर भी इसमें आराम से चला सकते हो। अब बात करते हैं हमारे थर्ड कंपोनेंट के बारे में, जो कि हमारी रैम। रैम में हमने क्रूशल की ही DDR4 8GB की चूज़ की है, और ये अनबफर्ड रैम है। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ कंपोनेंट के बारे में, जो कि है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज के लिए हमने 1 TB की WD Blue हार्ड डिस्क चूज़ की है, जो कि एक बहुत ही फेमस हार्ड डिस्क है, और इसकी जगह आप सीगेट बाराकूडा भी लगा सकते हो, वो भी एक रेपुटेड ब्रांड की हार्ड डिस्क है। अगर इसकी RPM की बात करी जाए तो इसमें हमें 7200 RPM और इसकी बफर है 64 MB। अगर आपको इसमें अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप एक अलग से SSD भी लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस आएगी। चाहे तो आप SSD लगा लो, चाहे M.2 लगा लो, आपको इसमें दोनों का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड के बारे में। ग्राफिक कार्ड में हमने चूज़ किया है G4 GTX 1060 3GB वेरियंट। तो ये आपको आराम से ऑफलाइन मार्केट में, सेकेंड हैंड मार्केट में आपको आराम से 10,000 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप इसको बाय करते हो नया तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा, और वो वर्थ नहीं होगा इस टाइम पे खरीदने को, और वो ज़्यादातर आपको मिलेगा नहीं। इसकी जगह आपको 1650 या 1660 सुपर मिलेगा। इसमें हमने पुराना ग्राफिक कार्ड ही चूज़ किया है। तो इसकी GPU की बेस क्लॉक की बात करी जाए तो इसमें हमें 1582 MHz देखने को मिल जाती है, और बूस्ट इसकी 1797 देखने को मिल जाती है। अगर मेमोरी क्लॉक की बात करी जाए तो इसमें 8000 MHz देखने को मिल जाती है। अगर मेमोरी साइज की बात करी जाए तो इसमें हमें 3GB DDR5 देखने को मिल जाती है। अब डिस्प्ले पोर्ट की कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो इसमें हमें 3 DisplayPort कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है। अगर आप कोई एक्सटर्नल स्ट्रीमिंग के लिए भी कोई उसमें डिस्प्ले लगाना चाहते हो तो आप उसमें लगा सकते हो बिना किसी इशू के। इस कार्ड को चलाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसमें एक 6-पिन कनेक्टर भी दिया गया है। अब बात करते हैं हमारे पावर सप्लाई के बारे में। तो हमने इसमें पावर सप्लाई कॉर्सेर की CV450 वोट की 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड SMPS चूज़ की है। अगर इसके फीचर के बारे में बात करी जाए तो इसमें कुछ खास फीचर इसमें बताया दिया बताने को कुछ है नहीं। इसमें बस ये है कि थोड़ी कंपनी की पावर सप्लाई है, और इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं
पावर सप्लाई में वो ब्रांडेड कंपनी के है। अगर आपकी पावर कोई ज़्यादा भी आ जाती है तो ये ऑटो कट हो जाएगा और ये आपके सिस्टम में पावर को पहुंचाएगा ही नहीं। अगर आप कोई लोकल कंपनी का भी पावर सप्लाई ले लेते हो ना, तो अगर आपकी बिजली ज़्यादा आ जाती है घर की, तो आपका वो पावर सप्लाई ख़राब हो जाएगा और आपका मदरबोर्ड सब खराब कर देगा वो। बात करते हैं हमारे कैबिनेट के बारे में। अगर आपको गेमिंग कैबिनेट पसंद है तो आपको टेम्पर्ड ग्लास वाला ही लेना चाहिए। अगर आपका लो बजट है, आपको उतना बजट नहीं कर रहा भी अलाउ, आप लो बजट के साथ भी जा सकते हो। तो इस बिल्ड में हमने एक कैबिनेट चूज़ किया है जो कि है आइस की तरफ से आता है, आइस 130 AG। इसमें हमें एक प्रीबिल्ड फैन देखने को मिल जाता है जो कि है 120 mm का, और इसमें एक साइड में टेम्पर ग्लास भी देखने को मिल जाता है, और फ्रंट के साइड हमें एक स्ट्रिप देखने को मिल जाती है LED। हमारे इस पूरे PC बिल्ड का बजट होता है 41,000, और जो कि हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है, थोड़ा सा ही 1,000 रुपये ऊपर है, जो कि आप सब लोग अफोर्ड कर लोगे, आराम से ले लोगे। अगर आपको इसमें से थोड़ा सा कम करना है कंपोनेंट को, या थोड़ा लो बजट का लेना है, तो आपका वो उसमें से पैसा लेस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा 40,000 के अंदर ही बिल्ड हो जाएगा। तो मैंने इसमें थोड़े हैवी कंपोनेंट लिए हैं और थोड़े ब्रांडेड कंपनी के इसमें वो पार्ट्स लिए हैं, इसलिए थोड़ा सा बजट 1,000 रुपये ज़्यादा हो गया है।